राम राम जी। स्रोत सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और ठीक ठाक हो गए। तो आज है सोमवती अमावस। तो सुबह मैंने खीर बनाई थी और यह मेरी माँ रोटी देने जा रही है अपने खाने की, शाम में बनाऊंगी। सुबह दादा पले जान की खीर बनाई थी और दादा पकाए थे। सिटी ने काट ली बचड़ी ना रहे, सिटी ने काट कर और इसका फिर फरफर ना करेगा। थोड़ी सी इसका चिकना लगा लेना, तो यह सर सर ना करे। तो हमने चढ़ा दी है गैस गुस साफ करके थोड़ी सी अमावस की खीर अपनी बनाऊंगे साथ में, दादा की बना ले जाएंगे थोड़ी सी। ये भी दो सीटियां हम हो जाएगा तावड़ी सी, तो दो सीटियां में थोड़ी सी खीर बन जाएगी। चीनी बेसन गिर दी क्या चीनी, फिर गिर दे बाट क्या की है, फिर रंधे भी छट का खदका लगाओगी। थोड़ी सी चीनी गेर देंगे इसमें साथ में, तो माँ कती बचल कर इसने थोड़ा वो काट ले। इसमें साथ में थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और दूध मैंने पहला बाल्टी मत है इससे का रखा था दादा का, तो मैं खीर बना ले जाएंगे थोड़ी सी। इसने दो सीटी मरा देंगे, तो खीर खैर बना कर हम लेकर आगे थे खेत में। इसका पापा आज नहीं आया था, नवीन में आए थे, तो देखो हड़ा डंगा कितना जाम रहा है दादा के पास में। और सुतरी डाला तो फिर किसी दिन फुर्सत में पढ़ना पड़ेगा, ऊपर थोड़ी बहुत साफ सफाई करके फिर मका भाई जब जोत लगाइए। नवीन ना कहा था तो जोत नवीन ने लगाई थी, इसका पापा आज खेत में आया नहीं था। और पहले इसकी थोड़ी सी साफ सफाई कर लें, एक झाड़ू भी ले जा रही थी वह झाड़ू नहीं पाई, पता नहीं कित गई, इसमें कमार देते तो ये बरसात के कारण सारे कड़ंगा हो जाए। मका भाई से अड़ंगे से तय कर दे इसने साफ सूफ। अड़ा जामन है, जामन के पेड़े के पास में जामन टूट टूट कपड़े हैं, तो अड़ंगा सा हो रहा था। मका थोड़ी साफ सफाई दादा पर भी जरूरी है। अरे कोई झाड़ू लेकर जाऊंगे, एक झाड़ू उधर तो रखी थी पर पता नहीं कित गई वह। अरे जब जोत लगानी चाहिए भाई पहले साफ सफाई करके, तो ईव नवीन जोत लगाओगा। साफ सफाई मोटी मोटी तो कर दी है ईव, अच्छी तरह फिर किसी दिन कस्सी तो सारा डंगा काटना पड़ेगा। तो पानी ले गए थे बोतल में भाई, पहले तो दादा नुवाना पड़ा है और बालक है जी सा भी उसने करना आया, उसने नुवा दिया। अब बड़ा आदमी तो और अच्छी डाला भाई धोखा पूजी करा, पर दादा ने मंजूर है भाई उसके अंदर पा जाओ वह हाजरी मंजूर है दादा तो। और आज सोमवती अमावस का तो सामन की काऊँ तो सारी अमावसा ना आया करे, और सामन की का तो बहुत और भी महत्व हो गया है सोमारी अमावस का। तो ये हमारे दादा पितर की मड़ी है, हम तो आए जब ताड़े बन रही है, ऊँ तो एक और कितने भी बताओ पर हमने तो पता नहीं, हम ताड़े लगा कर इसकी जोत हमारे नाम का। तो मका दादा तू अड़े बैठा पाइए, हम तो जब ताए हैं तो नाड़े देखे हैं, हमने तो और कितने तू देखा भी नहीं है। पर इसकी एक और जगह बताओ हमारा और दूर खेत ना नकला उड़े भी बताओ हैं, पर हम तो इसकी अड़े लगा कर जोते जब ताए हैं, हमने ताड़े देखा है, हम उड़े कद गए भी नहीं है ना हमारे उड़े खेत, तो इसकी जोत अड़े लगा दिया कर हम। अरे देखो चुगर दे कर यह हो रही है बरसात के कारण, सारे का डंगा जमया पड़ा है। अरे खीर बनाई थी ये कुंडा धो के इसमें गाल दी, इसमें भी थोड़ी काई सी जम रही थी, साफ भी करी फिर भी अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो खीर कुत्तिया ताई गाल दी थी भाई दादा का भोग लगा के। तो खीर रंधे नहीं लगती मैंने, ये शाम का टाइम है तो अरे में मैंने रख दी है खीर रंधनी, इतना मेरी खीर बन जाएगी। और खासकर आरे में बनाया करूँ मैं खीर भाई, आरे में अच्छी डाला खदकाला खीर बने, तो इतना मेरी खीर बना है मैं के काम दाम करूँगी। ये बना लूँगी मैं रोटी रट्टी, आज अमावस थी सुबह तो दादा की बनाई दी थी और ये बनाऊँ हूँ अपनी।
तो मैंने खीर तो रंधनी धर दी थी, मैंने कुछ दूध रख लिया सुबह के लिए, और ये दूध रखा मैंने डोली में दही जमाने के लिए, क्योंकि जो हमारा दूध होया कर हम सारा ही बरत्या करें उस दिन वो नहीं करते, थोड़ा सा जमने दे दूँ, क्योंकि बलोनी में तो जमाना नहीं, बलोने नहीं तो हल्का सा जमन दे दिया, ज़्यादा खट्टी दही नहीं होगी, और गर्मी में तो वैसे दही जम जाएगी। तो ये डोली में दही जमा दी इसने, फिर नुकनू फ्रिज में रख दूंगी सुबह, और खीर भी मेरी बनने वाली है, फिर खीर बन जाएगी जब सब ने आप सब ने खुआओगे। तो खीर मेरी बन गई है, और पहला मैं नहा के आई हूँ, क्यों गर्मी में तो दो दो तीन तीन बार नहाना पड़ा है, नहाए हैं कपड़े बदले हैं, तो अब खाना खाऊंगे, गर्मी इतनी तोड़ की हो रही है, और मैं दिखा देती हूँ मेरी खीर तैयार हो गई है, मेरी तैयार हो गई है, आप सब भी खा लो, और इस पर मैंने सीढ़ी रख ओणता ही रख दी छालनी, मगा फिर सुबह बचेगी तो फ्रिज में रख दूंगी, गर्म तो रखी नहीं जाए, इतनी ठंडी हो जाएगी ये, और ये खीर बन गई है, आप सब भी खा लो जिसका मन कर रहा हो, और ठंडी खानी हो तो सुबह ठंडी ठंडी खा लियो। तो ये हम नहा धो कर कूलर आगे बैठ कर और हम फिर खाना खाऊंगे। तो ये दादा बता लिए थे खेत में तम, उसके बाद दोपहर का टाइम है ये, और आज हमारा दोपहर ने पानी आवा है बेकार से, कति दोपहर में पानी दिया, दोपहर में लाइट आवा है, और पानी के मारे सारी दोपहर ही जागना पड़ा है, तो थोड़ा बस ही ड्रम में पानी रह रहा था, मगर पानी भी साफ खंडा दूंगी, और ये कुर्सी भी थोड़ी मैली सी हो जाए है भाई धूल मिट्टी में, तो इन्हें साफ कर रही थी मैं, कुर्सी ने अच्छी तरह मगर साफ कर दी, 10-15 दिन में या 20 दिन में साफ करनी पड़ा है, बेरा नहीं मारा बार खुल लिया कर है, तो जल्दी है धूल मिट्टी लग के मैली मैली हो जाए है ये, तो इन्हें अच्छी तरह साफ कर दें, मगा फिर ये बूंदी नहीं लग काली काली सी हो जाए है, अरे ये एक कुर्सी मारा टेंट की बच गई थी भाई जब दादा गुजरे, तो यह लाल कुर्सी एक कुर्सी है, मैं इसका जोड़ा भी नहीं है हमारे पास, तो इसके पीछे हमने कटवा दिए थे जब, अरे यह कुर्सी रह गई थी मारा, कई बार मैं हंसी कराया करूँ, मगा कदा किसी के ब्याह में किसी की कुर्सी खुजार नू कह इनका दरी है, इस मारे मैं सब तो बता दिया करूँ भाई एक कुर्सी मारा है टेंट की है, जिसके हमने पीछे कटवा दिए थे, फिर वो मारा ही रह गई थी या भूल चुक में रह गई थी, फिर इसके पापा पीछे दिया था, तो मगा कदा कोई आकर नू कह इनका है कुर्सी, ये अलग सी लाल कलर की कुर्सी है जो टेंट वाले रखे उनने की है यार, फिर हमने पैसे दे दिए तो भी हमारी होगी, तो इसने साफ सूफ करते रहे, कोई सी भी कुर्सी हो वैसे तो घर में तो साफ सफाई करनी है पड़ा इनकी, अरे ये बेरा नहीं 10-20 दिन में कित कि आगे तेनू हाथ उत लग गए आऊँ कली कली हो जाए, फिर बूंदी लग गए हैं, अरे नमका साफ सफाई आज पानी का ड्रम भी साफ हो जाएगा, और मका कुर्सी भी धो दें यह भी साफ हो जाएगी, तो कुर्सी मैंने धो दी थी अच्छी तरह, थोड़ी बार धूप में धर दूंगी फिर अंदर रख दूंगी, धूप तो तेज थी, और ये ड्रम भी धोने लगी थी, इसमें भी ये जो करूँ तो ढक्कन रखा इसका ढक्कन को नहीं फिटाला, तो इसमें भी कला कला हो गया है वे कीड़े से, और चमासे में तो मेरा तो हाथ भी नहीं जाता अच्छी तरह, मैंने तो मुश्किल तो साफ करना पड़ा है, हफ्ते 10 दिन में इसने जब मैं साफ कर दूँ, और चमासे में तो वे कीड़े हो जाए हैं डेंगू वाले मच्छर वाले, कितने भी पानी ने वो नहीं रखना चाहिए, साफ सफाई करते रहना चाहिए, तो एक गेर कर ये ड्रम मैंने दोनों ड्रम दो दिए थे आज, मका फिर पानी आओगा इतनी जल्दी ढूंढ नहीं पाते, तो साथ साथ मैं तो धुआं नहीं मका पहला ही धोकर रख दूँ, और करने भी चाहिए पता नहीं पानी की साफ उनमें मतलब ये हफ्ते 10 दिन में भी जो तल मिलाते से कीड़े हो जाए हैं, बेरा नहीं पाइपा माओ इस कारण वो है कुकर वो है जल्दी हो जाए हैं, क्यों सप्लाई का पानी है कई पाइप फूट जा है, और उन तभी भी वो पानी गंदा पानी आ जाए है तो जल्दी है कीड़े बन जाए हैं, कितने कितने तो फूटे रहे हैं गाला में पानी की सप्लाई में या दिक्कत तो रहे है, जल्दी है वो गंदगी गंदगी सी भी आ जाती होगी रड़का कितने कितने तो लीकेज के कारण हो जाए वो, तो ये उसे हम इस नहाने धोने में लिया करे ड्रम के पानी ने, खान पीन में तो मारो का बरत्या करे टंकी में भरें, तो ये भी साफ कर दिया था, और अड़े का भी धो जाए ऊपर का अड़े का हमारी नाली है, तो ऊपर का पानी आ कर छत कर तो उसमें वे
छत तो पक्की है पर फिर भी वो काई सी जम गया है। और यो बर्तन मांजन का भी सारे धोया था आज मैंने, पता नहीं सारे काई सी हो गया है। तमाशे कारण हो रही है ये, जब तक पिछवा हवा नहीं चल लगी नुआ काई जम जाएगी। तो ये सारी ने नुआ साफ सफाई सी कर रही थी मैं, और दोपहर न पानी की भी पाट देख रही थी साथ साथ में। मैं कहा इतना साफ सफाई करूँगी लाइट आ जाएगी, हमारा लाइट 11 बजे आओ है टाइम बदल गया। उसके बाद एक घंटे बाद डेढ़ घंटे बाद पानी आओ 12-1 बजे सही दोपहर ही में भरना पड़ा है पानी। क्यों आड़ा सप्लाई का ही पानी मीठा, वैसे तो हमारा नलके का तो कति कड़वा खारा पानी है, तो सप्लाई का भरना पड़ा है। अरे मनाड़े का सारे का साफ सफाई सी करती थी, धूप भी थी मका इतना सूख जाएगा, और ड्रम भी धूप में धर दिया था मका सूखे पीछे थोड़ा, फिर पानी आओगा जब भर लेंगे। और आज यह काम धाम की मेरी वीडियो थी, और वीडियो ने एंड करे हैं। और वीडियो ने भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आप सब तय हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। आप सबका कुछ नहीं लगता, 5-7 मिनट वीडियो ने देख लो और हमारा सपोर्ट कर दो तो, और हम कमेंट करके बताया करो भाई के गलती करे हैं वीडियो में, उसने सुधारने की कोशिश करेंगे। और ईब सब ने राम राम।